नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका नारा है अब की बार 74 पार, यूपी करेगा 74 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट है, बुआ और भतीजा, बुआ बबुआ जिनको आप कहते हैं, एक साथ हैं, साथ में आरएलडी भी है, तो ये समीकरण कहीं चुनौती भरा नहीं? देखिए, 2014 में मोदी जी का नाम था, एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर मोदी जी ने जो किया होगा, केवल वह एक नाम इस रूप में हमारे सामने था, देश के सामने था, गुजरात की जनता मोदी ने था, देश के सामने था, गुजरात की जनता मोदी जी के महत्व को जानती थी, गुजरात में काम करने वाले कामदार जो पूरे देश के अंदर से वहां पर कार्य करते थे, वही लोग अपने अपने प्रदेशों में जाकर के मोदी जी के बारे में बताते थे। लेकिन 2014 से 2019 तक इन 5 वर्षों में मोदी जी का नाम भी है तो मोदी जी का काम भी है। 5 वर्ष की उपलब्धियां हमारे सामने हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक, वंचित तक, दलित तक, श्रमिक तक, महिलाओं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंची हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हुए हैं, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो कार्य हुए हैं और देश का सम्मान दुनिया के सामने जिस रूप में सामने आया है, एक तरफ ये उपलब्धियां हमारे सामने हैं, तो विगत 2 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो उपलब्धियां हासिल की हैं, ये उपलब्धियां हमारे सामने हैं, जिसके बल पर हम इस बात को कह सकते हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का एजेंडा गांव तक, गरीब तक, किसान तक, दलित तक, वंचित तक, नौजवान तक और महिलाओं तक पहुंचा है। ये जो योजनाओं का लाभ और प्रदेश के अंदर प्रत्येक तबके को सुरक्षा की जो गारंटी मिली है, किसान के लिए प्रोक्योरमेंट की हम पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसके माध्यम से उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है, ये सब उपलब्धियां हमारे सामने हैं, जिसके बल पर हम आप उत्तर प्रदेश 74 पार, योगी जी आप काम गिनाएंगे आपके बार, फिर मोदी सरकार के नारे को हम दे सकते हैं। योगी जी, आपने कहा कि नाम पहले था, काम करके दिखाया मोदी जी ने, लेकिन आपके विरोधी सबूत मांगते हैं। आप कहते हैं कि एयर स्ट्राइक आपने की, वो कहते हैं कि हमने तो जनाजा नहीं देखा, कोई कहता है कि 26/11 में पाकिस्तान का दोष नहीं था, यहां समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव कहते हैं, वो कहते हैं सबूत दीजिए सर, आप एयर स्ट्राइक कहां की आपने, जंगल में बम पटक दिया। देखिए, देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठाना है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्नों से सेना का मनोबल नहीं बढ़ता है, बल्कि पाकिस्तान का मनोबल जरूर बढ़ता है। ये लोग गाहे बगाहे जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी देश की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए, देश की 130 करोड़ की आबादी के सम्मान को नीचा करने की कुत्सित साजिश का हिस्सा है। अगर लोक कल्याणकारी कार्यों की ही हम चर्चा करें तो मोदी जी की सरकार पहली ये सरकार है जिस सरकार ने विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बिना भेदभाव के किसी परिवार, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब को ना बना करके उन्होंने गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, वंचित को, दलित को, महिलाओं को, इन सबको बनाया है। 2022 तक हर गरीब को एक एक आवास दिलाने की गारंटी, अकेले 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 82,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराए, 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 2,50,00,000 से अधिक गरीबों को हम लोगों ने एक एक शौचालय उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की, 1,12,00,000 परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 3,55,00,000 परिवारों को
राशन कार्ड उपलब्ध कराए जिसमें अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा आयुष्मान भारत में और 56 लाख लोगों को प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर चलाकर के उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई। प्रदेश के 2 करोड़ 14 लाख किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कवर किया गया जिन्हें 5 लाख रुपए सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होगी। ये लोक कल्याणकारी कार्य हैं। मुझे लगता है ये संख्या मैं नहीं गिन रहा हूँ, प्रदेश के अंदर गाँव में जाकर के इन संख्याओं को देखा जा सकता है, प्रदेश के अंदर इसको देखा जा सकता है। योगी जी, आपने विद्युत वितरण में जो विषमता थी, पहले 5 जिलों में बिजली मिलती थी, आज 75 के 75 जिलों में 24 घंटे 20 घंटे 18 घंटे की विद्युत की अनवरत आपूर्ति प्रदेश के अंदर की जा रही है। प्रदेश के अंदर सड़कों का बिछड़ा जाल, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण, बहन बेटियां किसी भी समुदाय की हैं सुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के लिए एक सुकून की बात होती है और हमारी सरकार ने इस बात की गारंटी दी है। आपके जवाब के आखिरी हिस्से से आता हूं कि आपने कहा कि समाज में सुरक्षा है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। विरोधी कहते हैं एनकाउंटर की सरकार है, एनकाउंटर का राज है। आपने इतने एनकाउंटर कर डाले कि लोग डरने लगे। देखिए, ये भय अपराधियों में भय पैदा करना था। देखिए, ये डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण था, 15 वर्षों तक पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्रदान करके प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण पैदा कर दिया गया था, हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा प्रदेश के अंदर होता था, प्रदेश के अंदर पलायन होता था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। आज ये वही प्रदेश है जहां 2 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जहां पर एसिड अटैक की कोई घटना नहीं घटित हुई। ये वही प्रदेश है जहां पर पलायन नहीं हुआ, जो व्यापारी या प्रदेश का नागरिक किराना और कांधला जैसे कस्बों से, दर्जनों कस्बे ऐसे थे जहां से व्यापक पलायन हुआ था, आज वापस उन कस्बों में आकर के फिर से सुकून का जीवन जी रहे हैं और अपना व्यापार वहां पर प्रारंभ कर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने इस बारे में कहा कि प्रदेश की 23 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी हमारा दायित्व है, लेकिन प्रदेश में कानून का राज होगा। अगर कोई दूसरे की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो फिर कानून अपना काम करेगा और कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर कोई पुलिस पे फायर कर रहा है तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठेगी। कोई राह चलते हुए राहगीर को या व्यापारी को गोली मार रहा है तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठेगी। और पुलिस ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति का पालन किया है उसका परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। न केवल शांति और सौहार्द का माहौल है बल्कि इससे प्रदेश के अंदर निवेश का एक माहौल बना। आज 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर आ रहा है इन्हीं सब कार्यों को लेकर के, जो एक सुरक्षा का वातावरण प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देने में सफल हुए हैं। योगी जी, आपने काम गिनाए, आपने कहा कि सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है, एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। लेकिन विरोधी कहते हैं कि जो मुद्दा था रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार की बात हो, वो छूट गया। किसानों का कल्याण, जो आपने कहा 1.5 गुनी इनकम आपकी केंद्र सरकार ने कहा, आपने कहा गन्ना किसानों का जितना बकाया वो यूपी सरकार उसमें इनिशिएट करेगी, काफी आगे बढ़ा होगा। लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि अब आप पाकिस्तान, राम मंदिर और घूम फिर के आप जो है ऐसे मुद्दों पर आ जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऐसा लगता है कि बीजेपी करती है, ये सेना नहीं करती है और बीजेपी उसका श्रेय लेना चाहती है। तो मुद्दे क्या होंगे, पाकिस्तान होगा, किसान होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, या आपको लगता है कि देश का स्वाभिमान एक मुद्दा तो हो सकता है, क्योंकि होना भी चाहिए, लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी को क्रेडिट जाता सारा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो बातें रखी वह स्पष्ट है। हमने 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर कार्य प्रारंभ किया है। राजनीतिक अखंडता, आर्थिक संपन्नता, देश के अंदर विकासोन्मुखी व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना, एक सांस्कृतिक चेतना का उन्नयन, इन 4 मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर कार्य प्रारंभ किया।
हमने विकास, आर्थिक संपन्नता और विकासोन्मुखी व्यवस्था, इन दोनों को इसके साथ देखा है। देश की राजनीतिक अखंडता भी हो, यह गारंटी भी भारतीय जनता पार्टी ने देश को दी। हमने तो देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य किए, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, देश की रेलवे के उन्नयन के लिए जिस रेलवे के निजीकरण होने की बातें चलनी प्रारंभ हो चुकी थी, आज व्यापक निवेश करके जो आज देश के अंदर बुलेट ट्रेन और सेमी बुलेट ट्रेन तक चल रही हैं, देश के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्रारंभ हुई है, ये अपने आप की एक उपलब्धियां हैं। देश के अंदर हाईवे के निर्माण के लिए देश का पहला जलमार्ग हल्दिया से वाराणसी तक प्रारंभ हो चुका है, ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं हर एक क्षेत्र में जिस पर मोदी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। 1947 से लेकर 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 13 मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से लेकर 2019 के बीच उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 15 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 2 एम्स बन रहे हैं, एक कैंसर संस्थान बनके तैयार हो चुका है, एक एम्स के समकक्ष संस्थान निर्माणाधीन है। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में कोई लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं थी। 2017 में हमारी सरकार आने के बाद केंद्र सरकार जो पहले उत्तर प्रदेश को देना चाहती थी, पहली सरकार लेना नहीं चाहती थी, आज हम लोगों को पहले चरण में 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज मिली और अभी 3 महीने पहले 100 अन्य लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हमें मिली। पहले चरण में 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज से हम प्रदेश के अंदर 78,000 से अधिक गरीबों की जान की रक्षा किए हैं, ये अपने आप की एक उपलब्धियां हैं। लेकिन योगी जी, हमने विकास के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं, लेकिन विकास के साथ साथ समृद्धि के साथ साथ अगर हमने देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवास की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सबके लिए एक एक शौचालय की व्यवस्था, सौभाग्य योजना में हर परिवार के लिए एक एक विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना में हर परिवार को एक एक रसोई गैस कनेक्शन की गारंटी दी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था की है, अगर आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5,00,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की व्यवस्था की है, स्टार्टअप प्रधानमंत्री स्टार्टअप, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से नौजवानों को आगे बढ़ाने या प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसकी हुनर को मंच दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम किया है और देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी भी केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। योगी और देश के अंदर ये वही देश है जब 14 में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई थी, ये लीडरशिप पे निर्भर करता है, वो देश का नेतृत्व और देश की व्यवस्था को कैसे संचालित करता है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, 270 से अधिक जिले नक्सलवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की चपेट में थे, आज 5 वर्ष के बाद ये घट करके 4 से 5 जनपदों तक सीमित रह गया है। इस देश के अंदर पहला सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरी तरह अलगाववादियों का सफाया करने के लिए म्यांमार की सीमा पे किया गया, दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी सेक्टर में सफलतापूर्वक किया गया और तीसरा एयर स्ट्राइक पुलवामा की घटना के बाद जिस तरीके से भारत के जवान जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जहां आतंकवाद का जो केंद्र बिंदु था उसी को एयर स्ट्राइक के माध्यम से पूरी तरह ध्वस्त किया। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान जान की भीख मांग रहा है और उस सब के बावजूद अगर भारत के विपक्षी दलों के नेता सबूत मांगते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती है। देश की सेना के शौर्य पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, किसी को नहीं उठाना चाहिए, यह श्रेय सेना को जाता है लेकिन लीडरशिप मोदी जी की है। लेकिन योगी जी,
रामगोपाल यादव जो महासचिव है वो कहते हैं कि पुलवामा ही एक साजिश है, उसके सबूत चाहिए और दूसरा सत्ता में आए तो हम जांच कराएंगे। देखिए रामगोपाल यादव जैसे लोग, ये लोग तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने वाले लोग हैं। इनकी मनसा को समझने की आवश्यकता है। ये तुष्टीकरण के कारण कि किस हद को पार कर सकते हैं, सचमुच न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपितु देश की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा पर भी ये लोग सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनसे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। रामगोपाल यादव को अपने वक्तव्य के लिए देश की जनता से और देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए। योगी जी से चर्चा जारी रहेगी। हम पूछेंगे कि राम मंदिर आस्था का सवाल है या सवाल वोट का है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यह कहा है कि मैं रामलला के दर्शन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यह विवादित स्थल है। और क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये पूछेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आ रहे हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, एक भाषण के दौरान आपने उत्तर प्रदेश में एक सभा में कहा था, अब वो आपकी पार्टी का नारा है, तो यूं ही कह दिया या आपको लगता है कि वाकई मुमकिन है? क्योंकि विरोधियों का सवाल यह है कि मोदी जी जब आए थे तो 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, योगी जी की सरकार भी बन गई, आपने इतनी मेजोरिटी से आप आ गए, आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी ने जो वायदे किए थे किसानों से वो पूरे नहीं हुए, 2 करोड़ रोजगार पूरे नहीं हुए, उनको ये तकलीफ है कि आप जब चुनाव आते हैं तो आप राम मंदिर पर लौट आते हैं। प्रियंका गांधी कहती है मैं इसलिए दर्शन करने नहीं गई कि विवादित स्थल है। देखिए आपके 3 प्रश्न एक साथ जुड़े हैं, एक रोजगार का है, एक किसानों की इनकम का है और तीसरा राम जन्मभूमि से जुड़े हुए श्रीमती प्रियंका वाड्रा के बयान का है। पहला रोजगार का है, आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार के समय 13 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से बिना गारंटी के देश के बैंकों ने लोन दिया है, यानी 13 करोड़ नौजवान सीधे सीधे स्वावलंबन की ओर, आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुए हैं मोदी जी के कारण, मोदी जी की नीतियों के कारण। प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें करोड़ों नौजवानों को, महिला उद्यमियों को, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को इसके माध्यम से रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। 1-2 करोड़ की जो बात कर रहे हैं उनके सामने मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये संख्या लगभग 20 करोड़ से ज्यादा जाती है। दूसरा, देश के अंदर बिना भेदभाव के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और नॉन गस्टेड क्लास 2 की भी जितनी पोस्टें थी जिसके नाम पर धंधा किया जाता था पिछली सरकारों के समय, उनके इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त करके और प्रत्येक प्रतिभाशाली नौजवान के लिए एक रास्ता दिया। मेक इन इंडिया के माध्यम से देश के अंदर जो एक वातावरण बनाया और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्रदान की गई, यह अलग है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखना चाहेंगे, हमने 2 वर्ष के दौरान 2.25 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी सौदेबाजी का धंधा था, हमारी सरकार में 2.25 लाख सरकारी नौकरी मिली, लेकिन एक भी उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। हम लोगों ने 5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया, जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश हो चुका है, 5 लाख से अधिक नौजवान इसमें रोजगार पाया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी योजना जो देश प्रदेश के परंपरागत उद्यम से जुड़ा हुआ है, हम लोग 3 लाख पहले साल में 3 लाख से अधिक नौजवान को इसके साथ सीधे सीधे रोजगार के साथ जोड़े हैं। और इसके अलावा आगामी 5 वर्ष के दौरान इस योजना के अंदर 20 लाख यूथ को इसके साथ जोड़ने की हमारी कार्य योजना है। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट में 8 लाख यूथ ने इनरोलमेंट किया, 6 लाख का प्रशिक्षण हुआ, 4 लाख का प्लेसमेंट सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हुआ। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में देश के परंपरागत कार्य से जुड़े हुए हस्तशिल्पी हैं, इन सब के लिए
गांव का नाऊ है, गांव का मोची है, गांव का बढ़ई है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इन सबके उन्नयन के लिए भी हमने एक कार्य योजना प्रारंभ की। 1,00,000 लोगों को अब तक हम लोग प्रशिक्षण के दौरान मानदेय और टूल किट उन्हें उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं और ये वृहद स्तर पर चल रही योजना है। ये इसलिए क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी की सरकार है तो एक नाऊ के लिए, एक बढ़ई के लिए, एक कुम्हार के लिए, एक राजगीर के लिए, एक सुनार के लिए, एक हलवाई के लिए, एक मोची के लिए, समाज के जीवन के हरेक पक्ष के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था आज हो रही है। स्किल डेवलपमेंट में प्रत्येक नौजवान के हुनर को आज एक मंच मिल रहा है। तो इसी प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारा मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए मशहूर है, हमारा भदोही कालीन उद्योग के लिए मशहूर है, वाराणसी की साड़ी है, लखनऊ का चिकन है, कन्नौज का इत्र है, मेरठ का स्पोर्ट्स की आइटम है, कानपुर और आगरा का लेदर की आइटम है, ये तमाम चीजें हैं, पीलीभीत की बांसुरी है, यानी इन चीजों को प्रोत्साहित करने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा जो किया गया इसमें लाखों नौजवान इसके माध्यम से जुड़े हैं और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो सपा बसपा कांग्रेस की उपेक्षा का पात्र बना था, प्लान कर रहा था, आज उस व्यक्ति को इसके माध्यम से रोजगार मिला है। एक दूसरा किसानों की बात आ पाते हैं। पूरे देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की और मोदी जी की सरकार ने लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 2017 में या 2014 में जब मोदी जी आए थे तब न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का केवल 1260 रुपए था। आज गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपए है। उत्तर प्रदेश में आज से यह शुरू हुआ है, 1860 रुपए प्रति क्विंटल हम किसान को दे रहे हैं। 5 वर्ष में 1 क्विंटल में 600 रुपए एक किसान को ज्यादा मिल रहा है। 1 क्विंटल गेहूं में एक किसान की लागत आती है लगभग 1000 रुपए। खेत तैयार करना, बीज खरीदना, खाद खरीदना, उसको बोना, उसमें अन्य जो भी कार्य होने हैं उन सभी को करने के बाद कटाई तक का 1 क्विंटल गेहूं जब तैयार होता है तो एक किसान की कुल लागत आती है 1000 रुपया। हम उसको दे रहे हैं 1860 रुपये, 860 रुपये यानी 1.5 गुना से ज्यादा दाम किसान को देने का प्रयास हुआ है। हमारे आने के पहले प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। MSP तब तक बेमानी है जब तक आप किसान की उपज को नहीं खरीदते हैं। हमने पहले वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद किया, दूसरे वर्ष में 53 लाख गेहूं का क्रय किया, इस वर्ष 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हम करेंगे। पहले वर्ष में हमने धान 42 लाख मीट्रिक टन किया क्रय किया, दूसरे वर्ष में 48 लाख मीट्रिक टन क्रय किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में तिलहन दलहन और आलू का समर्थन मूल्य हमने किसान को दिया और 2011-12 से बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 21 चीनी मिलों को बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बेची थी, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी तमाम चीनी मिलें बंद हुई थी। हमारी सरकार के समय हमने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को पुनः चलाने का कार्य किया। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि रमाला की चीनी मिल को एक्सपेंशन की मांग, उसके मॉडर्नाइजेशन की मांग 30 वर्षों से हो रही थी। इन 30 वर्षों में कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, बसपा भी थी, लोक दल, इन सब के साथ कभी इधर कभी उधर रहती थी लेकिन कभी नहीं हो पाया। हमारी सरकार आई, हमने रमाला चीनी मिल का विस्तारीकरण का कार्य भी कर दिया, मोदिनपुर चीनी मिल के विस्तारीकरण का कार्य भी कर दिया, गोरखपुर के पिपराइच में बंद चीनी मिल को जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बंद हुई थी उस वहां पर एक नई चीनी मिल का लगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बस्ती के मुंडेरवा में जिस चीनी मिल को बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बेच चुकी थी हम वहां पे एक नई चीनी मिल लगा रहे हैं। सहारनपुर की दया शुगर मिल जो बंद हो चुकी थी उसको फिर से चला रहे हैं। शाकंभरी चीनी मिल जो बंद हो चुकी थी उसको फिर से चलाने की कार्य योजना बन चुकी है। ऐसे ही तमाम अन्य चीनी मिलों को फिर से चलाने की कार्रवाई जहां प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद हुई वहीं हमने ये भी व्यवस्था की कि 2011-12 से लेकर के 2017-18 तक का जितना भी गन्ना मूल्य का भुगतान था
हमारी सरकार अब तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। हमारी सरकार जो इस समय 9,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी है, इसमें से 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान 5 अप्रैल के अंदर अंदर कराने की पूरी कार्ययोजना बना चुकी है। शेष का भी हम लोगों ने एक पहले से ही टाइम लिमिट तय कर दी, एक टाइम टेबल बना दिया है कि इन इन चरणों में इन गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों का होना चाहिए। और हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया जब तक एक भी किसान के खेत में गन्ना होगा तो हम चीनी मिल को तब तक चलवाएंगे। एक खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री हमारी सरकार ने किया, किसानों के उन्नयन के लिए सारे कार्य मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की, और पहली बार शुगर केन से हम इथेनॉल बना सकते हैं, यह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के कारण हो पाया। कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था, उनके लिए सब नामुमकिन था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई ये मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। ये बताइए मुझे योगी जी कि प्रियंका गांधी तीसरा को, अखिलेश यादव को या तीसरा मैं आ रहा हूं अयोध्या के मुद्दे को लेकर के। आपने अयोध्या के मुद्दे में हमारे चुनाव में कहीं भी ये मुद्दा पहले नहीं उठाया। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है, कोई संदेह नहीं है। हम लोग जाते हैं, हमारी सरकार आई, हमने अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बहुत यानी भव्य तरीके से दीपोत्सव के कार्यक्रम को संपन्न करके देश और दुनिया के सामने अयोध्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अयोध्या में हमारी सरकार आने के बाद 24 घंटे बिजली मिलनी प्रारंभ हुई, वहां स्वच्छता का एक कार्यक्रम चलाया गया, वहां के विकास की कार्ययोजना बनाई गई। हमें आपत्ति इस बात की है, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के उस दोहरे चरित्र से है जो बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। और मुझे लगता है भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता का संकट ऐसे लोगों ने खड़ा किया है। अयोध्या जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना ना जाए, कौन जाए, हरेक व्यक्ति का अपना अधिकार है। लेकिन हां, मुझे कुछ मुद्दों पर आपत्ति है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा अयोध्या गई, वहां पर वे रामलला का दर्शन करने नहीं गई, उनका विषय है, उनका अधिकार है। लेकिन यह कहना कि मैं वहां इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि वह विवादित स्थल है, इस देश और दुनिया में हिंदुओं का अपमान है। जहां पे करोड़ों हिंदू प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए आ रहा है, जिस स्थान को 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जजेज की विशेष पीठ राम जन्मभूमि घोषित कर चुकी है, आप उसको विवादित कैसे कर सकते हैं? उसके आसपास की जमीन विवादित हो सकती है, बंटवारे का मुद्दा विवादित हो सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि तो विवादित नहीं है। वो तो सबने एक साथ स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, उसमें तो कोई संदेह किसी को नहीं है, वो विवादित कैसे हो सकता है? एक प्रश्न। दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केवल जमीन संबंधी इस विवाद को जो बंटवारे से संबंधित है, जिसमें तीनों जजेस ने अलग अलग राय व्यक्त की है, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने भर से क्या कोई जगह विवादित हो जाती है? आखिर हिंदू श्रद्धालु वहां दर्शन कर रहा है, अपमान नहीं उनका? और फिर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के भाई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं, उनकी माताजी श्रीमती स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं, उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं, उनके पति श्री रावर्ड वाड्रा स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं, इनके साथ भी अपने संबंधों को उनको स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये लोग भी तो न्यायालय से जमानत पर हैं, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? तीसरा, क्या सच नहीं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित जो भूमि संबंधी विवाद है, इस भूमि संबंधी विवाद के समाधान में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस है? जब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई का प्रयास किया, कांग्रेस की वकीलों की फौज वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अनावश्यक व्यवधान पैदा करने का प्रयास करती है। कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस बात का वक्तव्य देते हैं और मांग करते हैं
कि 2019 से पहले राम जन्मभूमि की सुनवाई ना हो। लेकिन योगी जी, ये सब ये क्या है? तो देंगे आप प्रियंका गांधी के पिता को या राहुल गांधी के पिता को? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो ताला खुलवाने में योगदान दिया। देखिए, ताला राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया, न्यायालय के आदेश से ताला खुला। ये श्रेय किसी व्यक्ति या पार्टी को नहीं, ये न्यायालय ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद ने राम जन्मभूमि के ताला को खुलवाने की बात कही। आपको भरोसा है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एक मध्यस्थता की जो चर्चा हो रही है, प्रक्रिया शुरू हुई है, आपको भरोसा है कि इससे सब समाधान हो जाएगा? देखिए, मैं इसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लाइन तय की है, हमें इंतजार है उसका। मैं एक सवाल पूछूं कि आपसे, चंद्रशेखर रावण जिनसे प्रियंका गांधी मिली भी थी, कांग्रेस के साथ साथ टाइप करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, वो मोदी जी के खिलाफ बनारस से मैदान में है और प्रियंका कहती हैं कि मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा है तो बनारस से क्यों नहीं, तो ये मोदी जी को चुनौती होगी? देखिए, मोदी जी के सामने कोई चुनौती न वाराणसी में है और न ही देश में है। आज इस देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति के पास एक नाम है प्रधानमंत्री के रूप में। हर एक जवान पर एक नाम है, मोदी मोदी मोदी। जब हर व्यक्ति मोदी 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 की रट लगाया है तो स्वाभाविक रूप से इस देश का हर व्यक्ति मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद में देखना चाहता है। मायावती कह रही है बी टीम है रावण, चंद्रशेखर रावण जो है बीजेपी की बी टीम है। मैंने देखिए, बीजेपी ये टीम और बी टीम नहीं रखती, बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के साथ बीजेपी के संबंध नहीं है। हाँ, कांग्रेस सपा बसपा का जो एलाइज है उसका पार्ट चंद्रशेखर जरूर हैं, क्योंकि श्रीमती प्रियंका वाड्रा स्वयं उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी। क्या बातचीत हुई है ये वे लोग जाने, लेकिन वे जरूर उनसे मिलने के लिए गई थी। ये चीजें कांग्रेस ज्यादा स्पष्ट कर सकती है। राहुल गांधी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ज्यादा परेशान कर दिया। राहुल गांधी जी अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं, अब उन्हें अमेठी की जनता पे विश्वास नहीं रह गया, इसलिए वे वहां से पलायन कर गए हैं। लेकिन अमेठी की जनता ठान चुकी है इस बार क्या करना है, क्योंकि चार चार पीढ़ी से अमेठी पीछे के पीछे रह गई है, विकास ही नहीं हो पाया है। हमारी सरकार आने के बाद फिर वहां कुछ कार्य प्रारंभ हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से अमेठी की जनता इसका जवाब देगी श्री राहुल गांधी। योगी जी, एक बड़ा मुद्दा जो आपने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या संस्कृति का जो है वो सुरक्षा करना हो या रक्षा करना हो या आगे बढ़ाना हो, कुंभ को लेकर भी आपने बहुत बड़ी तैयारी की थी और कुंभ को आप कहते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा दुनिया का एक सांस्कृतिक जो कहें कि मेला था वो, लेकिन विरोधियों को उसमें भी कुछ कुछ कमियां नजर आईं। उन्होंने कहा कि साहब पूरा भगवा मय कर डालना है, पूरी सरकार लग गई है, तो आपको क्या लगता है कि आप अच्छा करें तो भी बुरा हो जाता है आपके साथ? देखिए, हमारा काम है अच्छा करना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अच्छा देखेंगे तो अच्छा सोचेंगे, जिनकी सोच अच्छी नहीं है वे अच्छे बोल कैसे सकते हैं, जिन्होंने देश में अच्छा किया ही नहीं वे अच्छा बोल कैसे सकते हैं। कुंभ का आयोजन करने का अवसर सपा बसपा कांग्रेस सबको प्राप्त हुआ, लेकिन यस हमें ही प्राप्त होना था, क्योंकि यह हमारे द्वारा ही इस प्रकार का आयोजन संभव था। कुंभ की सफलता, कुंभ की भव्यता, कुंभ की दिव्यता, एक सुरक्षित और एक स्वच्छ कुंभ की अवधारणा को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, तो मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूँ, जिनकी प्रेरणा जिनके मार्गदर्शन से इतना भव्य आयोजन हम करने में सफल हुए और एक वैश्विक स्वरूप कुंभ को प्राप्त हुआ। योगी जी, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि न्यूनतम आय की गारंटी होगी, 6,000 रुपए महीने, तकरीबन 20 करोड़ जो 20% आबादी जो गरीबों की उनको मिलेगा। पहले उन्होंने कहा बिजली का बिल हाफ, कर्जा माफ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बन गई। आपको लगता है कि ये जो है बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप लोगों ने तब कर्जा माफ नहीं करने का ऐलान किया तो आपकी सरकार बहुत माइनर अंतर से आपकी सरकार को बाहर होना पड़ा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तो पूरा सफाया हुआ और राजस्थान में भी आपकी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, एक बात तो साफ है,
गरीबी हटाओ का नारा आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से प्रारंभ हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस नारे को दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 में जो नारा दिया, श्री राजीव गांधी जी ने 1985-86 में जो नारा दिया, इसके बाद कांग्रेस की सरकारें जब भी आई, कांग्रेस इस प्रकार के नारों को भुनाने का प्रयास की, लेकिन एक परिवार जरूर संपन्न हुआ, शेष देश में गरीबी बढ़ती गई, किसान आत्महत्या करता गया और देश के अंदर अलगाववाद, नक्सलवाद तेजी के साथ अपने पांव फैलाता गया। ये कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोल करके लोगों के चेहरे पर धूल झोंकने का प्रयास करना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में जिन्होंने घोषणा की थी, आज तक उसको लागू कर नहीं पाए, आगे कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर उतनी क्षमता है ही नहीं। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। 72,000 की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने तो हर गरीब को 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया है। एक गरीब को 5,00,000 रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा एक साल में प्राप्त होगी। 2022 तक हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत की योजना। देश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। 7 करोड़ परिवारों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन। 9.5 करोड़ परिवारों को देश के अंदर शौचालय उपलब्ध कराए गए। 60 करोड़ परिवारों को प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर मोदी जी ने उपलब्ध कराया। 12-13 करोड़ किसानों, लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आच्छादित किया है। ये जो कार्य हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको मोदी जी ने करके दिखाया है, कांग्रेस ने कभी, मैं कहता हूं कांग्रेस के 55 वर्षों के कार्यकाल को एक तराजू पे आप रख दीजिए, मोदी जी के 55 महीनों के कार्यकाल को दूसरे तराजू पे रख देंगे, मोदी जी का 55 महीनों का कार्यकाल 55 वर्षों पर भारी पड़ेगा। आखिरी छोटे छोटे दो सवाल। पहली बार 1995 के बाद मायावती और मुलायम सिंह एक मंच में हो गए, हालांकि वो पहली लिस्ट में स्टार प्रचारक नहीं थे, मुलायम सिंह बाहर हो गए थे, फिर जब पूरा पार्टी के अंदरूनी घमासान हुआ तो वो वापस आ गए। माया मुलायम का एक साथ मंच पर आना योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए चिंता का सवाल है? हमारे लिए कोई चिंता का सवाल नहीं है। जनता इनकी वास्तविकता को, इनके भ्रष्टाचार के गठबंधन को, इनकी अराजकता के गठबंधन को, इनकी लूट खसोट के गठबंधन को जानती है, देखती है, समझती है और मुझे लगता है उचित समय पर उचित जवाब प्रदेश की 23 करोड़ जनता देगी। एक गायों का बड़ा मुद्दा है कि आपने कहा कि गायों की अवैध ढंग से जो कटाई होती थी या उनको जो कत्लखाने भेजा जाता था वो बंद करवा दिया आपने, लेकिन गायें पूरे प्रदेश में या बछड़े पूरे प्रदेश में फैल गए हैं, उनको आपने रोकने के लिए जगह जगह आपने गौशाला का इंतजाम किया, लेकिन अभी भी किसान परेशान है, इस पर क्या ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, अब ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसलिए चुनावी मुद्दा नहीं है क्योंकि हमने प्रदेश के अंदर हर जनपद में, हमने आने के तत्काल बाद अवैध बूचड़खानों को रोका था और आज हर जनपद में हम लोगों ने जितने भी पेंजड़ा पोल थे, जितने भी कांजी हाउस थे, जितने भी बंद पड़ी गौशालाएं थीं, इन सब को पुनर्जीवित करते हुए गौ संरक्षण केंद्र के रूप में इन्हें विकसित कर दिया है। आज के दिन पर 4,00,000 से अधिक गौवंश हमारे पास, हमारे यहाँ गौ आश्रय स्थलों में हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी केयर टेकर की व्यवस्था उनमें की जा रही है, की गई है, आगे इसको और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की हमारी कार्य योजना है। अब ये संरक्षण तक ही नहीं, छह महीने पहले मुद्दा था। मेरा आखिरी सवाल, आपने कहा यूपी में आपकी बार 74 पर, आपके विरोधी कह रहे हैं कि केंद्र में सारी ताकत लगाने के बाद भी देश के राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी आपकी बार 200 पार नहीं जाएगी, आपने 300 पार नारा दिया। देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। पूरे देश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करेगी, 300+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और बीजेपी का जो एलाइज होगा, ये सभी मिल करके जब सीटें जीतेंगे, ये काफी भारी होंगी। कांग्रेस
अपने स्थापना काल से लेकर यानी आजादी के बाद के पहले चुनाव से लेकर के अब तक के न्यूनतम सीटें पाएंगी वहां तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं, कोई वजूद नहीं। खैर, सपा बसपा को बोलना है क्या, यूपी के बाहर इनका कोई वजूद ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाए और विकास एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जनता सिर्फ विकास देखना चाहती है, बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब आप विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।